नौ ग्रहों में शनि एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ग्रह है। सामान्य रूप से कुंडली में शनि का नाम लेते ही डर की स्थिति पैदा हो जाती है। शनि ढैया, साढ़े साती और पनौती जैसे शब्द और भी भयभीत करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल ज्योतिष में शनि एक क्रूर या पापी ग्रह अवश्य है, लेकिन यह हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो शनि के अच्छे फल उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जबकि बुरे कार्य करने वाले को शनि दंडित करते हैं, इसलिए तो इसे कर्म फलदाता कहा जाता है। यहाँ शनि का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 जनवरी को शनि अपनी स्वराशि मकर से प्रवेश कर रहा है। शनि के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर 2.5 वर्षों तक रहता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है। शनि की चाल सबसे धीमी है, अतः शनि के गोचर की अवधि 2.5 बरस तक होती है, यानी एक राशि से दूसरे राशि में जाने का समय 2.5 वर्ष का होता है। ये सभी राशियों को अपनी ढैया और साढ़े साती मार्गी एवं वक्री चाल से प्रभावित करता है। शनि ग्रह राशि चक्र की 2 राशियों का मालिक है, मकर और कुंभ। इन दोनों राशियों के जातक शनि से अधिक प्रभावित होते हैं। शनि ग्रह की उच्च राशि तुला है, जबकि मेष राशि में ये नीच भाव में होता है। सूर्य पुत्र शनि के मित्र ग्रहों में बुध और शुक्र आते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु की श्रेणी में आते हैं और गुरु को इसके समभाव का माना जाता है। शनि पुष्प, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह की शांति के लिए धारण किया जाता है। शनि ग्रह की शांति के लिए नीलम रत्न है। शनि ग्रह की शांति के लिए धतूरे की जड़ी धारण की जाती है।